हेलो गाइस दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का न्यू वीडियो में। दोस्तों एक बार और आ चुके हैं पटना से चलकर बनारस में, जो कि आप सबके लिए न्यू बिजनेस आइडिया लेके। दोस्तों आज जिस बिजनेस के बारे में हम लोग बात करने वाले, एक तरह से इसको बोला जाता है नोट छापने की मशीन, जो कि आप लोग सामने दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें कितना मशीन का सेटअप आता है, 3 मशीन का सेटअप आता है, देख सकते हैं, जो कि सरफ बनाने वाला मशीन, ठीक है। देखिए बताया जाएगा कि सरफ किस प्रकार का बनता है और किस कैसे बनता है, अब कितना प्रोडक्शन आप एक दिन का कर सकते हैं और महीने का कितना कमाई कर सकते हैं, इसका प्राइस क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में आपका। नमस्कार सर जी, फुगमार्ट कंपनी में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मैम ये बता दीजिए किस बिजनेस के बारे में आप व्यूअर्स को जानकारी देने वाले हैं। सर आज हम आप लोगों को डिटर्जेंट मेकिंग मशीन के बारे में जानकारी देंगे सर। मतलब साफ साफ बोला जाए तो सरफ बनाने वाले मशीन के बारे में आज व्यूअर्स को बताया जाएगा, किस प्रकार से सरफ बनती है, इस कितना मशीन लगता है, कितना मतलब 1 घंटा प्रोडक्शन होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। तो चलिए मैम इसके बारे में आप जानकारी दीजिए, कहाँ पर मशीन है और किस प्रकार से वर्क करती है। सर देखिए डिटर्जेंट बनाने में आपको 3 मशीन का सेटअप आता है सर, ठीक है। आप देख रहे हैं 3 मशीन सेटअप है हमारा। ये हमारा मिक्सर मशीन है, ये हमारा बैंड सीलिंग मशीन है और ये हमारा है कैज मिल मशीन, ठीक है। क्या क्या काम है मैम? जो मिक्सर मशीन है सर ना, वो मटेरियल जो होता है मटेरियल को मिक्स करता है। अच्छा, पूरा मतलब जो मटेरियल होता है रॉ मटेरियल, इसको मिक्स करने का काम करता है। हाँ। इसके अंदर मटेरियल रखाता है और ऐसे ऐसे घूम कर मिक्स करता है जी। और नेक्स्ट है देख सकते हैं कैज मिल मशीन। जो कैज मिल मशीन है इसकी विशेषता ये है कि ये पूरा मतलब इसको झाड़ के सुखा के मटेरियल जो भी होता है पूरा सुखा के निकालता है। इसमें मतलब हीटर पर का क्लीन कर बिल्कुल क्लियरिटी रहती है मटेरियल में, देख सकते हैं। इसको नाम है कैज मिल मशीन, देख सकते हैं। इसमें कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है मैम? 1 HP का मोटर लगा है सर इसमें। मतलब 1 HP का मोटर लगा हुआ, मतलब सिंगल फेज के लाइन पर चलने वाला? बिल्कुल सर जी। हाँ दोस्तों सही सुना, इसके अलग से कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं होने वाला नहीं है। और बहुत सारा मशीन होता है जो कि अलग से कनेक्शन लेते हैं और लाखों रुपए लग जाता है इसमें सिर्फ कनेक्शन लेने में। यस सर, तो इसमें गाड़ी देने वाले हैं, इसी के बारे में देख सकते हैं। कैज मिल मशीन ये हो गया, थोड़ा पास में आ जाइए आप तो देख सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर रॉ मटेरियल डलाता है, देख सकते हैं। मिक्सर के बाद का प्रोसेस ये है सर, मिक्सर के बाद ये प्रोसेस होने वाला, ठीक है जी। और थर्ड नंबर पर आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बैंड सीलिंग, ये बैंड सीलिंग मशीन होने वाला जी। बैंड सीलिंग मशीन जो है सर, इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो रेडी हो गया है इसमें सील करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं। अच्छा, मतलब इस प्रकार से ये अंदर से जाके जैसे मटेरियल इसमें डालकर पैकिंग होने वाला जी। यहाँ से आप लगाएंगे पैकिंग जाएगा ऐसे जी मैम। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों अब इसका प्रोडक्शन का। तो मैम ये बता दीजिए 1 घंटे में अब क्या प्रोडक्शन होने वाला है? 1 घंटे में सर 50 KG प्रोडक्शन आपका फ्रेश निकालेगा। मतलब 1 घंटे का प्रोडक्शन बात किए जाए तो गाय 50 किलो होने वाला है 1 घंटे का प्रोडक्शन जी सर। जी हाँ दोस्तों सही सुना, 1 घंटे में 50 KG तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बात किए जाए, चलिए हम लोग बात करते हैं मैम ये बता दी मशीन लगाने के लिए क्या पढ़ा लिखा का भी जरूरत होने वाला है? नहीं, अगर नॉर्मल इंसान है, पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अपना ये मशीन लेकर अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं सर। मतलब इसके लिए पढ़ा लिखा का भी जरूरत नहीं? नहीं नहीं, भी ये चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल, घर में बैठी महिलाएं भी ये काम अपना स्टार्ट कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए और बात करते हैं इसके स्पेस का। मेन रहता है जगह, हमारे घर में जगह नहीं है, कैसे होगा, हम लोग के पास जगह ही नहीं है तो कैसे रखाएगा? ये मैम इसके बारे में आप जानकारी दीजिए कि मात्र सर 10x10 के रूम में आपका ये स्टार्टअप स्टार्ट हो सकता है मशीन का बिजनेस। 10x10 के कमरे में एक नए रोजगार मतलब स्टार्ट कर सकते। तो मैम ये बता दीजिए इसका, जैसे कि 1 दिन से इसे कितना कमाई कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा हम लोग? इस मशीन से 1 दिन में 3500 से 4000 तक प्रोडक्शन आप कर सकते हैं आराम से। मतलब 1 दिन का कमाई 3500 से लेकर 4000 रुपये तक कमाई आप कर सकते हैं घर बैठे। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, 8 से 10 घंटा काम करना है और आपके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर, स्किल के ऊपर है, कितना मेहनत करते हैं, कितना आप कस्टमर जोड़ते हैं उसके ऊपर आप है, और ज़्यादा भी कमा सकते हैं। मिनिमम बताया गया आप जितना अच्छा सेलिंग करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा सर। जी हाँ दोस्तों, चलिए और बात किया जाए इसका प्राइस का। तो मैम ये बता दीजिए इसका प्राइस क्या होने वाला है? मात्र 70,000 रुपये लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं, मात्र 70,000 रुपये लगा के एक नया रोजगार व्यवसाय आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, चलिए मैम ये सब बोल रहे देख सकते हैं, यहाँ पर दिख सकते हैं, जैसे ये प्रिंट पाउच है देख सकते हैं जी।
देख सकते हैं, एक्स्ट्रा वाश देख सकते हैं, इस हाँ, प्रकार का हम लोग खुद का ये रैपर है जी, हो सकता है बिल्कुल सर। अगर आप अपना ब्रांड बनवाना चाहते हो ब्रांड भी बन जाएगा, उसके लिए आप हमारे ऑफिस आइए, विजिट करिए जी, सारे डिटेल्स आपको दिया जाएगा। तो ये बता दीजिए मैम, जैसे कि सब बोलता है कि मशीन तो मिल जाता है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर रॉ मटेरियल मेरे यहाँ प्रॉपर मिलेगा, आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। ये देखिए हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है बिल्कुल सर, मतलब यहाँ से लेकर देख सकते हैं गाड़ी, यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा है जो कि ये रॉ मटेरियल होने वाला है, देख सकते हैं आप जी। ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी भी हो जाता है रॉ मटेरियल का। अच्छा, ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी भी यहाँ से हो जाता है जी। सही सुने दोस्तों, सब बोलते हैं मशीन मिल जाता है कि रॉ मटेरियल मिल पता, उसके लिए भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होने वाला, इसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं उपलब्ध है। मतलब फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग दोस्तों अभी हैं बनारस में, और बात करते हैं इसका प्राइस भी बता दिया गया 70,000 रुपये लगेगा कि नए रोजगार आप स्टार्ट कर सकते हैं जी सर। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे मैम, यहाँ का एड्रेस क्या होने वाला, किस प्रकार से ये कंटेक्ट कर सकते हैं? एड्रेस हमारा है सर बलुआ रोड गौरा कला वाराणसी है, और नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस दिया गया है, फटाफट जाइए कॉल कीजिए कि नया रोजगार स्टार्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा दोस्तों। और चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक कि वो अभी एक नया रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए ऐसे मिलते हैं न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।